दोस्तों, सनातन धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का खास महत्व है। पूर्णिमा तिथि के आते ही हिंदू मास का समापन हो जाता है। हर मास के 15 दिन पश्चात अमावस्या तिथि आती है। हर एक अमावस्या तिथि का खास महत्व है। ऐसे ही भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या या भादो अमावस्या कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान और श्राद्ध करने से खास फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस अमावस्या के दिन कुश यानी घास एकत्र करने की परंपरा भी है। इसी के कारण इसे कुशाग्रहणी अमावस्या कहते हैं। इसके साथ ही इस दिन कुछ खास उपाय करके कुंडली से काल सर्प दोष के दुष्प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं भाद्रपद अमावस्या की तिथि, शुभ मुहूर्त और उपाय। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 14 सितंबर को सुबह 4:51 पर शुरू होगी और अगले दिन 15 सितंबर 2023 को शुक्रवार दिन सुबह 7:12 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस अमावस्या पर यदि घर में लगी तुलसी में बांध दोगे यह चीज तो हो जाओगे हर परेशानी से मुक्त। तुलसी तो सब लगाते हैं किंतु इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, तो तुलसी के नीचे बांधे, ये एक चीज मां तुलसी का मिलता है। ढेर सारा आशीर्वाद माता लक्ष्मी जी होती है आकर्षित। घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा यदि आपके घर में लगा है तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण इसके में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। किंतु इसी के साथ क्या आप जानते हैं, तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर मां तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको वो सारी खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं, किंतु तुलसी के नीचे ये चीज बांधना है जरूरी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, कमेंट में लिखें जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी, मां की कृपा सदा आप आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधियों गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में परिगणित तुलसी के को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु, शंकर यानी त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। यदि आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं किंतु तुलसी मां को चुनरी नहीं ओढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। सदैव याद माता, तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारे मां के समान है। कई घरों में तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है किंतु इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आम तौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं किंतु लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं, तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, किंतु एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। किंतु आपको ना केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी मां तुलसी को सदैव ओढ़ानी चाहिए। बगैर के मां अच्छी नहीं लगती। तुलसी मां नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, होती है स्वर्ग की प्राप्ति, मां बड़ी प्रसन्न होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी मां होती है क्रोधित,
जहां तुलसी का होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा आदि रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थकारी माना जाता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के पश्चात दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना गया है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा रखनी नहीं चाहिए। तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहां भी हो वहां पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, माता क्रोधित हो जाती है। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। बाकी हर दिन तुलसी की सुबह पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के पश्चात खुले बाल में ही तुलसी को जल देती है। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए बालों को बांध कर और मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, चाहे मर जाना किंतु भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना, नहीं तो आपके घर में सदैव परेशानी आएगी। ऐसी तुलसी कभी ना लगाए। दोस्तों, कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना, इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश कर जाता है और माता तुलसी नाराज हो जाती है। घर में सुखी तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख सब खत्म हो जाती है। घर में सुखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आपकी तुलसी सुख गई है तो इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सुखी तुलसी घर में लगाने पर माँ तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर से हमेशा सदैव के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती है। दोस्तों, मासिक धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, खासकर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं। ऐसा कर से तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर की सुख शांति सब भंग हो सकती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए। तुलसी में सदैव खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और वो जल आपके पैरों में गिरना नहीं चाहिए, इससे धन हानि का खतरा बना रहता है। व्यक्ति को पाप तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है, घर में बीमारियां प्रवेश करती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा सदैव घर के बीचों बीच लगाना चाहिए, इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले सदैव याद रहे बुरे भाव से इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा घर में कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, यदि आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए तो आप अपने पड़ोसियों में से किसी को दे सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक से ज्यादा तुलसी जब घर में निकल आती है तो वो बहुत ही शुभ माना गया है। ये साक्षात लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश है। तुलसी के पौधों को विषम संख्या में रखना चाहिए, जैसे 3, 5, 7 आदि। तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए, इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, है घोर अनर्थ। ऐसे पौधे लगाकर मां तुलसी नाराज हो जाती है। घर में तुलसी के पास इन पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे अशुभ होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी करते हैं। मां तुलसी होती है क्रोधित। आज ही इन पौधों को घर से बाहर करें। दोस्तों, यकीन माने हम आपको शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं कि वो पौधा कोई और नहीं बल्कि नागफनी का पौधा है। जी हां, नागफनी का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा। आपको बता दें, आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहां पर नागफनी का पौधा कभी नहीं होता है, क्योंकि ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पुराणों में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना करके कांटे की उत्पत्ति करता हो, जिसमें पत्तियां ना के बराबर हो, ऐसे पौधों को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। खास तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खा बात जब तुलसी के पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ साथ मां लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती।
जहां पर नागफनी का पौधा होता है, इसलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दें। ये पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। ये बुरी शक्तियों प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि यदि माता तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी जो व्यक्ति पाना चाहता है तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु की कृपा भी मिलती है। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, जिस घर के तुलसी में ये एक चीज नहीं रखी जाती तो उस घर से लक्ष्मी कोसों दूर रहती है। साथ ही तुलसी होती है क्रोधित, और आप कोई भी कार्य करोगे कभी सफल नहीं होगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में है तो उसके साथ शालिग्राम को जरूर रखें, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना जाता है। इसे बहुत सहेज कर रखना चाहिए। मान्यता है कि इसमें अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाए जाते हैं, और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को रखा जाता है उस घर में विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। खुशी उस घर में अपना बसेरा बना लेती है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जिस घर में शालिग्राम रखा होता है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता। तरक्की आपके चुनती है। पुराणों में यहां तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम है वो घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। इनके दर्शन और पूजन से समस्त भोगों का सुख मिलता है। स्वयंभू होने के कारण इनके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। यदि इसे घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर पूजा की जाती है तो घर में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का वास हो जाता है। ऐसे घर में पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती। मृत के समय इनके चरणामृत का जल प्राशन करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा लेता है, वो विष्णु लोक को चला जाता है। ये चरणामृत औषधि के समान होता है, जो इसका सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चरणामृत ग्रहण करने के पश्चात बहुत से लोग सिर पर से हाथ फेरते हैं, किंतु शास्त्रीय मतानुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत सदैव दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है उसमें बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती है। यदि आप घर में असली शालिग्राम ले आए हैं किंतु उसकी ठीक से नियम से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखा जाता है। प्रतिदिन शालिग्राम पंचामृत से स्नान कराया जाता है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विकता का प्रतीक है। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।